हे गाइस, वेलकम टू ट्रॉय ट्रॉक्स यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के और एक खास एंड फ्रेश वीडियो में फॉर बेस पीडीएफ एडिटर एंड रीडर लेके आ गया हूँ। ये सभी पीडीएफ एप्लीकेशन को यूज़ करके आप किसी भी पीडीएफ फाइल को आसान से एडिट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ पीडीएफ रीड करने के लिए इन सभी एप्लीकेशन में कुछ यूजफुल फीचर्स भी है जो आपको ये सभी एप्लीकेशन जरूर ट्राई करना चाहिए। गाइस, आप मेरे और भी वीडियोस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, उसके लिए दिल से थैंक यू। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो बिना देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले चलिए बात करते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट प्रो फॉर iOS। ये एक बेस्ट पीडीएफ एडिटर है iOS के लिए। इस ऐप में आप पीडीएफ फाइल को आराम से एडिट कर पाएंगे कुछ इस प्रकार से। आप अगर किसी भी पीडीएफ फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे करके आप अलग अलग पीडीएफ फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, जो कि अच्छा फीचर इस ऐप में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको किसी पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट को हाईलाइट करना है ना, तो आप आराम से किसी भी टेक्स्ट को इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अलग अलग कलर्स भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स वगैरह क्रिएट करना है ना, तो आप नोट्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको स्टैम्प्स यूज़ करना है तो अलग अलग स्टैम्प्स भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ गाइस, अगर आपको एनोटेशन यानी कि साइन वगैरह करना है ना, तो वो भी आप आराम से इस ऐप पे कर सकते हैं। और पीडीएफ रीड करने के लिए इस ऐप में और भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि आप किसी भी टेक्स्ट को आराम से सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ आप किसी भी पीडीएफ फाइल में पेजेस को आराम से स्क्रॉल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जूम इन एंड जूम आउट जैसे फीचर भी मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है पीडीएफ फाइल को रीड करने के लिए। अगर आप किसी भी पेज को रोटेट करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ही आप किसी भी पेज को रोटेट कर पाएंगे, आराम से इंसर्ट कर पाएंगे अलग अलग पेजेस को। और साथ ही साथ अगर आपको किसी पेज को डिलीट करना है ना, तो डिलीट भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है गाइस, आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आराम से स्कैन कर पाएंगे इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। तो गाइस, इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा एप्पल ऐप स्टोर में और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा पीडीएफ एलिमेंट प्रो। और यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा, इसको क्लिक कीजिए। उसके बाद ही आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आपके एप्पल फोन में। तो इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूले अगर आप आपके एप्पल फोन में पीडीएफ फाइल एडिट करना चाहते हैं तो। फास्ट एप्लीकेशन का नाम है एडोबी स्कैन। ये एक मोबाइल डॉक्यूमेंट स्कैनर है, साथ ही साथ एक पीडीएफ एडिटर भी है। जी हाँ गाइस, तो इस ऐप में आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जस्ट स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। और अगर आप पीडीएफ थोड़ा बहुत एडिट भी करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए एक यूजफुल हो सकता है। तो इस ऐप में क्विक स्कैनर मिलता है, जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जस्ट स्कैन करके एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जो कलर है ना, वो आप फिल्टर कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को रोटेट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, जो अच्छे अच्छे यूजफुल फीचर्स हैं। उसके बाद आप इस डॉक्यूमेंट्स को एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर पाएंगे। ओवरऑल बात करें गाइस, अगर आप किसी भी इमेज को एक पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं या फिर एक स्टूडेंट है, तो ये एप्लीकेशन आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नंबर 2, पीडीएफ रीडर प्रो। ये एक बेस्ट एंड फ्री पीडीएफ रीडर है। इस पीडीएफ रीडर ऐप में पीडीएफ रीड करने के साथ साथ आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं एंड एनोटेट भी कर सकते हैं। सबसे खास बात है, इस ऐप में पीडीएफ रीड करते समय अगर आपको किसी भी पेज को नेक्स्ट करना है ना, तो नीचे आपको एक लाइन मिलेगा। इस लाइन को जैसे आप स्लाइड करेंगे गाइस, तो ऑटोमेटिकली पेज जो है ना नेक्स्ट हो जाएगा, जो कि एक खास फीचर है, मुझे बहुत ही अच्छा फीचर लगा। और हाँ गाइस, अगर आपको किसी भी पीडीएफ में किसी इंडिविजुअल वर्ड को क्विक सर्च करना है, तो आपको इस ऐप में क्विक सर्च जैसा फीचर भी मिलता है, जो कि एक अच्छा यूजफुल फीचर है। सो ये भी एक बेस्ट फ्री पीडीएफ रीडर है, जो आपको आपके फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए। सो गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, क्योंकि ऐसा एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। नंबर 3, आई लव पीडीएफ। ये एक ऑल इन वन पीडीएफ एडिटर है। पीडीएफ एडिट करने के लिए जितने भी टूल्स मिलते हैं ना, वो सभी आपको एक ही एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। इस आई लव पीडीएफ एडिटर के मदद से आप किसी भी पीडीएफ फाइल में साइन कर सकते हैं, किसी पीडीएफ फाइल को मर्ज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, कॉम्प्रेस कर सकते हैं, कॉन्वर्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं एंड सिक्योर भी कर सकते हैं। और भी आपको अलग अलग यूजफुल फीचर मिल जाता है इस पीडीएफ एडिटर ऐप में, जो मुझे नहीं लगता किसी अदर पीडीएफ एडिटर ऐसे कुछ फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा। लेकिन हाँ गाइस, इस ऐप में कोई भी टेक्स्ट एडिटिंग का ऑप्शन नहीं है। अगर आपको टेक्स्ट एडिट करना है ना, तो आप मेरे और एक वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको सिखाया है कैसे पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट को एडिट किया जाता है, वो भी मोबाइल से। तो
तो आप ऊपर दिए कार्ड्स पे क्लिक कर सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं। आप इस आई लव पीडीएफ एडिटर को डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। आई होप ये एप्लीकेशन भी आपको पसंद आया है। नंबर 4, पीडीएफ व्यूअर एंड बुक रीडर। ये भी एक फास्ट, लाइट एंड क्लीन पीडीएफ रीडर है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये पीडीएफ रीडर। इस पीडीएफ रीडर ऐप में एक यूनिक फीचर मिलता है जिसका नाम है जूम फ्यूचर। इसको इनेबल करने के बाद आप कुछ इस प्रकार से किसी भी पीडीएफ फाइल में जो पेज है ना, यूनिक तरीके से जूम कर सकते हैं, जो कि अलग किस्म का फीचर मुझे लगा। साथ ही साथ फुल स्क्रीन मोड में आप पीडीएफ रीड कर सकते हैं एंड नाइट मोड जैसे फीचर भी मिलता है। ओके गाइस, अगर आपको बेस्ट एंड फ्री पीडीएफ रीडर एप्लीकेशन ट्राई करना है पीडीएफ रीड करने के लिए, तो ये वाला एप्लीकेशन भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बोलिए ये एप्लीकेशन आपको कैसा लगा है। सो गाइस, आई होप आप सभी को ये सभी पीडीएफ रीडर एंड एडिटर पसंद आया है। तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, और अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर कीजिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।